आप मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है और, और उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनके लिहाज से उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5 परसेंट जाएगी और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9 पे जाएगी फिच जो के ममालिक की और दूसरी इकोनॉमीज को ट uh, करती है उन्होंने अमेरिका की इकॉनमी को डाउनग्रेड ट्रिपल ए से करके डबल ए कर दिया है uh, यहां पे उनको शाख था जिसके जिसकी वजह से अमेरिकन जो है उनकी वैल्यू नीचे जाएगी uh, उनकी मांग में कमी आएगी तो मैं समझता हूं कि इस वक्त uh, इंडिया की इकॉनमी नो क्वेश्चन अबाउट इट पहले तो वो बर्तानिया की इकॉनमी को क्रॉस कर चुके हैं पहले यही uh, मोदी जी के सेकेंड टर्म में अब मोदी साहब ने कहा है कि वो थर्ड टर्म थर्ड टर्म अगर जीतेंगे तो इकॉनमी को, को तीसरे नंबर पर ले आएंगे और उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की है मैं फौरन समझ गया था क्यों ये बातें कर रहे हैं क्योंकि सामने वेस्टर्न मीडिया और एम्बेसडर बैठे हुए थे वो सिर्फ वेस्टर्न मीडिया को मैसेज देना चाह रहे थे कि देखे हम कितने अच्छे लोग हैं हम तो भारत से बात करते हैं भारत बात नहीं करता पहले माजी में आपका हमेशा ये रहा है कि जब भी आपने आईएमएफ से किस्त लेनी होती थी आप इस तरह की स्टेटमेंट छोड़ देते थे शबाज शरीफ साहब का तो पोर्टफोलियो ही नहीं है डिफेंस की चीजें बात करें यह बात स्टेटमेंट तो आनी चाहिए थी आर्मी चीफ साहब के हवाले से कि हम हालात ठीक करना चाहते हैं उनका उनका क्या पोर्टफोलियो है कि वो बात करेंगे भी, भी हो चुका है कि वो स्टेटमेंट कुछ देते हैं स्टेब्लिशमेंट की स्टेटमेंट बाद में चेंज हो जाता इंडिया जब भी किसी से काम करता है तो अपने टर्म्स पर करता है यहाँ पे जिस तरह देखा जाए वो रशिया से तेल ले रहे हैं लेकिन अपने टर्म्स पर ले रहे हैं उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के साथ उनका रिलेशनशिप है वो भी अपनी टर्म्स पर है अमेरिका ने उनको आ, 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 नेटो की मेंबरशिप ऑफर की थी उन्होंने रिफ्यूज किया क्योंकि उन्होंने कहा था मैं सूट नहीं करती तो मैं ये समझता हूं कि भारत की तरक्की का एक सीक्रेट भी यही है कि वो सेल्फ रिलायंस और अपने इन्हीं चीजों की वजह से आगे ग्रो कर रहे हैं इसका इसका सबसे बड़ा सीक्रेट नेशनलिज्म है भारत ने या भारत के लोग जो उनके टेक्नोक्रेट है उन्होंने अमेरिका को इस तरह जकड़ लिया है कि अमेरिका अब भारत की मर्जी से उनकी इजाजत के बगैर आपसे बात नहीं करेगा दे आर इन देर कैंप उन्होंने जो उनके टूटे फूटे राइट्स वो समझते हैं उनको बावर करा दिया गया है कि चाइना के खिलाफ अगर कोई भी आपका दुनिया में साथ दे सकता है तो वो भारत है आपकी तीन पार्टियां इस वक्त टूटी फूटी पाकिस्तान में तीनों आपकी स्टैब्लिशमेंट के पेट से पैदा हुई हैं तीनों की तीनों ऐसे कौन सा लीडर कहां से आएगा छिहत्तर साल लीडर नहीं आया छिहत्तर साल और वेट करेंगे आप

सारी दुनिया के पास एक चाइना ही ऐसी जगह थी जहाँ सारी सस्ती चीजें मैन्युफैक्चर हो रही थी आ, और सप्लाई चेन इंटरप्ट हुआ था उसके बाद अभी तक चाइना जो है अपने सप्लाई चेन को दोबारा रिस्टोर ही नहीं कर पाया एक तो उनका सबसे बड़ा सेटबैक फिर उनकी रियल स्टेट मार्केट जो है वो डाउन हुई है वहां पे लोगों के पास जाहिर जब पैसे नहीं थे फैक्ट्रियां बंद थी शिप्स, शिप्स भरे हुए हमारी पोर्टों पर खड़े थे लोग ही नहीं मिल रहे थे उन चीजों को नीचे उतारने के लिए तो ये सारी इकोनमी का जो इम्पेक्ट है उनके रियल स्टेट पे आया कई मन, कई मार्केट्स बहुत बड़ी बड़ी मार्केट रियल स्टेट की बिल्डिंगे बने की खड़ी की खड़ी रह गई हैं लेकिन उनको कस्टमर नहीं मिल रहे एक तो ये चीज थी उसके बाद इस इस चीज का एडवांटेज सबसे ज्यादा भारत को है इस वक्त दुनिया वहां से बिजनेस को निकाल के अपने मैन्युफैक्चरिंग चीजें जो हैं वो दूसरे ममालिक ले लेके जा रही है जिसमें एक भारत है और दूसरा दूसरा एंगल जो अमेरिका के लिहाज से बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि चाइना की मार्केट को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करने वाला था वो अमेरिका था अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट अब यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो आ, लोग हैं स्टूडेंट्स हैं पढ़ के यहाँ आ चुके हैं अमेरिका में हमारी अमेरिकन कंपनियों के सीईओ वो है अल्टीमेटली अमेरिका की दौलत को वेल्थ को वो कंट्रोल करते हैं अपना असर रखते हैं व्हाइट हाउस पे असर वसूर रखते हैं तो उसी वजह से जो बिजनेस चाइना से निकल के निकल रहा है वो सारा भारत जा रहा है तो जिस तरह आपने देखा होगा पहले एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग वहां गई है फिर इलाम मस्क जो है वो इंटरेस्टेड है फिर बाहर से मोदी साहब अपने ट्रिप पर आए हैं जेट इंजन बनाने की वो टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं रेफायल त्यारे बन रहे हैं वहां पे तो जो एक एक मूवमेंट मेक इन इंडिया है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं यूपीआई को प्रमोट कर रहे हैं तो ये सारी चीजें और उसके बाद एक भारत जो है उसकी मिडिल क्लास उसमें ज्यादातर नौजवान है और वो नौजवान पढ़े लिखे हैं और वो जहां जा रहे हैं वो एक हेल्थी और ताकतवर डाइसपुरा की शक्ल में जा रहे हैं उससे ना सिर्फ भारत की इकानमी को फायदा हो रहा है बल्कि उसकी इंटरनेशनल जो प्रेजेंस है उसमें उनकी उसको फायदा हो रहा है और इसमें जो आप मॉर्गन स्टैंडली की आज बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवर वेट किया है और, और उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनके लिहाज से उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5 परसेंट जाएगी और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9 पॉइंट परसेंट भी जाएगी आ, और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इसके साथ आ, इसी कोविड के हवाले से और जिस तरह यूक्रेन जंग के बारे में या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो अपना सारे आ, अपने सोर्सी रिसोर्सिस को बंद कर रहे हैं, फिच जो कि ममालिक और दूसरी इकोनमीज को अः करती है उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को डाउनग्रेड ट्रिपल ए से करके डबल ए कर दिया है यहाँ पे उनको शक था जिसके जिसकी वजह से अमेरिकन बाढ़ जो है उनकी वैल्यू नीचे जाएगी आ, उनकी मांग में कमी आएगी तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इंडिया की नो क्वेश्चन अबाउट इट पहले तो वो ब्रतानिया की इकानमी को क्रॉस कर चुके हैं पहले यही मोदी जी के सेकंड टर्म में अब मोदी साहब ने कहा है कि वो थर्ड टर्म थर्ड टर्म अगर जीतेंगे तो वो जापान को क्रॉस करके भारत की इकानमी को तीसरे नंबर पर ले आएंगे तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है जिस तरीके से इस वक्त अगर देखा जाए तो वो कनेक्टिविटी का एक प्रोग्राम जो उनका था कि वो अपनी पावर को बाहर बेचेंगे तारें बिछाएंगे पाइपलाइनें बिछाएंगे फिर उसके बाद उन्होंने तेल की पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा उनका सामने नजर आ रहा है आपने देखा होगा कि इंफॉर्मेशन इन्फर्मे, टेक्नोलॉजी में देमली ओवर इट फिर फार्मास्यूटिकल उनकी इंडस्ट्री है तो इसी तरीके से जहां ट्रेड करते हैं यूएई के साथ उनका हंड्रेड बिलियन का टारगेट था 85 बिलियन वो अचीव कर चुके हैं तो देखा जाए तो इस वक्त जो कोविड की वजह से सारी दुनिया की इकोनॉमी स्लग है उस सबका फायदा जो है भारत उठा रहा है चाइना के जो जितने चैलेंजेस हैं, चाइना की जितनी मैन्युफैक्चरिंग है इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंडिया लेकिन इंडिया अपनी पॉलिसीज के ऊपर तो कंप्रोमाइज बिल्कुल करता नहीं नजर आ रहा वो ये कहते हैं एप्पल हो या एलॉन मस्क हो या कोई भी कंपनी हो वो इंडिया में आएगी तो इंडिया की पॉलिसी के तो मुताबिक

अमेरिका ने उनको आ, 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 नेटो की मेंबरशिप ऑफर की थी उन्होंने रिफ्यूज किया क्योंकि उन्होंने कहा था मैं सूट नहीं करती तो मैं ये समझता हूं कि भारत की तरक्की का एक सीक्रेट भी यही है कि वो सेल्फ रिलायंस और अपने इन्हीं चीजों की वजह से आगे ग्रो कर रहे हैं इसका इसका सबसे बड़ा सीक्रेट नेशनलिज्म है Hmm. जब आप नेशनलिज्म होगा आपको प्राइड होगी अपनी सिटीजनशिप पे अपने मुल्क से आपको मोहब्बत होगी तो चीजें तब आती हैं तब इस तरह के फैसले किए जाते हैं मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा आप पाकिस्तान आप पाकिस्तान से बैठे बैठकर इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं आपका सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त करप्शन है हर चीज में करप्शन है सोचों की करप्शन है पुलिस की करप्शन है हर चीज की करप्शन है लेकिन आपको मैं बल्कि मैं चाहूंगा किसी वक्त आप इस पे प्रोग्राम करें कि पंजाब भारत वाले पंजाब में उन्होंने आम पार्टी ने करप्शन को किस तरह रोका है किस तरीके से मोदी साहब ने करप्शन एक मैं यहां पे अर्ज करना चाहूंगा करप्शन जो है वो इंसानी जबिलत का हिस्सा है इट इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन इंस्टिंक्ट लेकिन उस पर कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए तरक्की करने के लिए आपके मुल्क से इस वक्त भी प्राइवेट प्लेस जो है वो थैले लेके उड़ रहे हैं डॉलरों के और आपकी एजेंसियों के मर्जी से उड़ रहे हैं आपकी जो कुछ भी होता है पाकिस्तान में उसमें सारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं एक अदारा अकेला करप्शन नहीं कर सकता लेकिन वजह यह है कि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत करना आपने शुरू ही नहीं की पाकिस्तान से मोहब्बत करना बंद तो करते अगर शुरू की होती पाकिस्तान आपने सिर्फ कागजों में बनाया था अगर एक मिनट के लिए सोचे आज नाइनटीन फोर्टी सेवन को अगर सोचा जाए जो लोग जलीलो ख्वार होकर पाकिस्तान में आए थे अपनी माओ बहनों को रस्ते में मरवाते आए थे हर चीज छोड़ के क्या आपने जस्टिफाई किया है पाकिस्तान को बनाने का जो टू नेशन थ्योरी थ्योरी आप, आप कहते हैं कि टू नेशन बेस पर पाकिस्तान बना क्या आपने उनको पाकिस्तान बनाकर दिया है मेरे ख्याल में नहीं बनाया यही, आपने यही, सिर्फ आप एक आइडियोलॉजी तो, बेची एक तो, आपने उसके बाद आपने पाकिस्तान को एटीएम मशीन की तरह लूटा है जो आया इसने तो, छिहत्तर तो, तो, साल लूटा है आपने अपनी टू नेशन थ्यूरी कोई नहीं किया है। और सर, इसकी सबसे बड़ी ये है कि जैसे आपने बोला और आप देखते हैं लोग देखते हैं कि हम पब्लिक में जाके ओपिनियन लेते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि सर बड़ी तादाद में बड़ी तादाद में यूथ और एजुकेटेड यूथ ये कहती है कि भाई ये हमारे हाथ जुड़े हैं हम तो पाकिस्तान से बाहर जाने के पर तोल रहे हैं

आपके तो हर हर डिपार्टमेंट हर महकमे के अंदर राजा पक्सा बैठा है और पता नहीं इसको कौन बचाएगा पाकिस्तान को मुझे तो बिल्कुल ना उम्मीदी है मायूसी है गहरे बादल है आ, मुझे नहीं है अभी तक किसी लीडर ने कोई रोड मैप आपको नहीं दिया कि मैं इस तरीके से पाकिस्तान को बचाऊंगा आओ मेरे साथ चलो आओ पाकिस्तान में ये फला चीज मैनुफैक्चर करते हैं आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं पे कारोबार किस तरह करना है आओ आओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाते हैं आओ तुम्हें बताएं कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर किसी ने कोई आप कह रहे जवानों से पूछा है कि वो जाएंगे आ अमेरिका को रोजाना गालियां आप देते हैं कभी वो साइफर कहते हैं अमेरिका के खिलाफ जाकर आज अम्बेसी वीजा देना शुरू करें पाकिस्तान में एक इंसान नहीं बचेगा वहां पे बल्कि किश्तियों में, किश्तियों में मर मर के पहुंच रहे हैं आप जर्मनी और ग्रीस और इटली पहुंच रहे हैं लेकिन दे, देखे यही एक वजह है कि आपने छिहत्तर साल ना पाकिस्तान को बनाया है ना कोशिश की है ना जस्टिफाई करने की कोशिश की है ना कोई लीडर आया है जो फ्राड़ी का फ्राड़ी के ही आए हैं मैं तो समझता हूं कि फ्रॉड ही लगा रहे हैं अभी तक कोई जो आपके जिस तरह मैंने कहा कि अभी तक किसी पाकिस्तानी के मुंह से मैंने कोई अच्छा बिजनेस प्लान नहीं सुना कोई रोड मैप नहीं देखा खास आप कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैसे लेकर आऊंगा और दूध की नहरें चलेंगी हालांकि उनको बिजनेस प्लान नहीं है पाक, ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों पैसे देंगे आपको पहले तो आपने जूते मार मार के पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी निकाला वहां से डंकियां लगा लगा के यहां पहुंचे हैं वो अपने माँ बाप को पैसे भेजेंगे कि आपको भेजेंगे क्यों भेजेंगे आपको पैसे ये एक तो बिल्कुल मुझे अजीब सी बात लगती है कि आप हमेशा खास साहब जब भी बात करते हैं कहते हैं जी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पैसे देंगे क्यों देंगे आपको पैसे वो एक तो ना लॉ एंड ऑर्डर के हालात है वहां आपके ना थाना ना कचहरी चलता है ना पटवारी चलते हैं तो वो क्यों जाएंगे वहां पे सर इसमें आपने ये बात की है रोड मैप नहीं है देखिए मैं ये कहता हूँ रोड मैप भी शायद मैटर नहीं करता वो भी बाद की बातें हैं पहले नीयत मैटर करती है कि आपकी नीयत भी है पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाने की या नहीं रोड मैप पॉलिसी ये तो उसके बाद की बात है जब आपकी नीयत ही नहीं होगी तो फिर रोड मैप किस काम का और पहले नंबर पे हमें तो ये चीज सोचनी है बिल्कुल डेफिनेटली मैं वो, देखे नियत होगी तो रोड मैप बनेगा बिल्कुल आपकी बात ठीक है जब नियत ही नहीं है लेकिन मुझे बताएं नियत कहाँ से मिलती है कहाँ से इंपोर्ट की जा सकती है छिहत्तर साल में किसी की भी नियत नहीं बनी ये क्या वजह है और सब दूसरी बात जो मुझे ज्यादा तकलीफ दे है कि आपके साथ पड़ोसिंग है उन सबकी नियत ठीक है वो तरक् पे है बांग्लादेश आपको छोड़ता है वो भी तरक्की कर जाता है हम आपके अफगान भाई आपको छोड़ के कतर के साथ लगते हैं वो भी तरक्की शुरू कर देते हैं आप कैसे बद किस्म के लोग हैं आप मेरी समझ से बात कित कितने मेरे ख्याल में रिज, र, एक रिजवाना जैसी बच्चियां तो रोजाना बदवाएं देती हैं और उनकी बदवाओं की वजह से आपके मुलक से बरकत ही खत्म हो गई ऐसे ही है लेकिन क्या है फिर भी हम देखेंगे मैं ये समझता हूँ अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए बात करने का कोई मकसद नहीं रहेगा पाकिस्तान की बेहतरी का सोचने का कोई मकसद नहीं रहेगा मुझे ये बहुत उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अभी शायद मेरे जैसे लोग या हम ही अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं अदारों को गवर्नमेंट को लेकिन अगर बात ना सुनी गई तो मेरे जैसी यूथ उठेगी आवाज उठाएगी पाकिस्तान के राइट के लिए अपने राइट के लिए पाकिस्तान के बेहतर इमेज के लिए और मैं ये समझता हूँ कि आने वाला टाइम कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है देखिए मैं मैं बिल्कुल ख्वाब देखने कहते हैं कि फ्री ख्वाब है इसमें कोई अरज नहीं है देखने में कोई अरज नहीं है लेकिन आपकी यूथ जो है मैं आपको छोटी सी बात करना चाहूँ आपकी यूथ भुट्टो साहब ने भी निकाली थी रोटी कपड़ा मकान का उन्होंने दिखाया था बच्चे स्टूडेंट यूनियंस को सड़कों पर लेकर आए थे खान साहब के पीछे भी सारे लौंडे लपाड़े हैं खान साहब के पीछे भी जितने अः अमीर घरों के बच्चे हैं वो सारे ये समझते हैं कि ये इबादत है बाप करप्शन में इन्वॉल्व है बच्चे और बीवी उनकी सारी खास साहब को सपोर्ट करती है बच्चे ख्वाब देखते हैं लोग ख्वाब देखते हैं लेकिन आगे लीडर कोई नहीं है मसला तो ये है आप भी ख्वाब देख रहे हैं लेकिन लीडर कोई नहीं आगे आगे फराडिए बैठे हैं सारे और छिहत्तर साल से आपकी तीन पार्टियां इस वक्त टूटी फूटी पाकिस्तान में तीनों आपकी स्टेब्लिशमेंट के पेट से पैदा हुई है तीनों की तीनों ऐसा ही कौन सा लीडर कहां से आएगा छिहत्तर साल लीडर नहीं आया छिहत्तर साल और वेट करेंगे आप

शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं जी भी 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 बातें भी करने के लिए उनके चार दिन रह गए सारी गवर्नमेंट के और उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की है मैं फौरन समझ गया था क्यों ये बातें कर रहे हैं क्योंकि सामने वेस्टर्न मीडिया और एम्बेसडर बैठे हुए थे वो सिर्फ वेस्टर्न मीडिया को मैसेज देना चाह रहे थे कि देखे हम कितने अच्छे लोग हैं हम तो भारत से बात करते हैं भारत बात नहीं करता पहले माजी में आपका हमेशा ये रहा है कि जब भी आपने आई से किस्त लेनी होती थी आप इस तरह की स्टेटमेंट छोड़ देते थे लेकिन अब ये स्टेटमेंटों से बातें आगे बढ़ चुकी हैं आप दोनों मुल्कों के अंदर इस वक्त ट्रस्ट फैक्टर है आप जब तक ट्रस्ट को बहाल नहीं करेंगे एक दूसरे के एतराजात ठीक नहीं करेंगे बात नहीं होगी आगे चलेगी और इस बात को सीरियस लेना होगा शबाज शरीफ साहब का तो पोर्टफोलियो ही नहीं है डिफेंस की चीजें बात करें यह बात स्टेटमेंट तो आनी चाहिए थी आर्मी चीफ साहब के हवाले से कि हम हालात ठीक करना चाहते हैं उनका उनका क्या पोर्टफोलियो है कि वो बात करेंगे हम से आप पहले भी हो चुका है कि वो स्टेटमेंट कुछ देते हैं की स्टेटमेंट बाद में चेंज हो जाती है सुबह खान साहब ने कहा था हम ट्रेड शुरू करने लगे शाम को मुकर गए थे आप ये इस तरह चीजें नहीं पहले आप पहले तो आप पाकिस्तान के बारे में सीरियस हो पड़ोसियों से रिलेशनशिप तो बाद में बनते हैं ना जब आप इन साइड ऑफ द पाकिस्तान इन साइड ऑफ द हाउस आप एक टेबल पर हो एक पेज पर हो अभी तक तो आपके हालात इस तरह है कि चाइना का प्रीमियर आया वहां किसी पार्टी का दूसरा बंदा नहीं था फॉरन मिनिस्टर साहब दुबई बैठे हुए थे अपनी वालदा के स्टैचू का अफ्तार करने चले गए थे अभी तक तो आप एक टेबल पर ही मौजूद नहीं है आप जब तक खुद इकट्ठे नहीं होंगे पाकिस्तान के बारे में सीरियस नहीं होंगे तो भारत आपकी इज्जत क्यों करेगा आपकी बात को वो सुनेगा भी क्यों जब आप इकट्ठे ही नहीं है इसमें एक बड़ी चीज हमने जो देखी है वहां भारत की तरह से भी स्टेटमेंट आई है उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हम तो हमेशा से रेडी हैं तमाम नेबर कंट्रीज खासतौर पे पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए लेकिन फिर वही एक उन्होंने अपना इशू रखा है स्टांस रखा है कि भाई टेररिज्म को खत्म करें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें उनका एक ही मौकाफ है तो हम वो बात मान क्यों नहीं लेते या भारत को ही क्यों नहीं कह देते कि भाई अव मिलकर हमारे साथ हम तो नहीं कर पा रहे आओ मिलकर जो हम इस चीज के ऊपर काम करते हैं बिल्कुल मैं अग्री करूंगा आप क्यों नहीं इस, इस इस तरह किया जाता क्यों नहीं उनके साथ उनको उनको स, उनको ए, क्लियर क्यों नहीं किया जाता क्यों नहीं कहा जाता कि आए मिलके इसके खिलाफ चलते हैं? क्यों नहीं ये कहा जाता उनको प्रूव क्यों नहीं दिए जाते इट इज नॉट द स्टेट स्पॉन्सर ये हमारा कसूर नहीं है उनको क्यों नहीं ये सफाई दी जाती यही एक बात जबकि वहां से तो स्टेटमेंट आ चुकी है बड़ी फे... वो वायरल हुई थी वो क्लिप वो वीडियो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी थी कि भाई आओ पाकिस्तान वालों आओ हम मिलके लड़ते हैं जंग करते हैं लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ यानी उन्होंने तो ऑफर कर दी मैं समझता हूं कि मोदी साहब के बारे में सबसे ज्यादा दुनिया के ऊपर जो प्रापोगेंडा या चीजें होती हैं कि उन्होंने गुजरात में ये किया मुसलमानों के खिलाफ है बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है ये कुछ है वो कुछ है लेकिन नवाज शरीफ साहब के घर गए थे वो बगैर किसी प्रोटोकॉल के ऐसे ही उससे पहले देख ले आ गए थे उससे पहले आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लेकिन उनको जो शिकायतें हैं किले हैं आपको चाहिए पहले उसकी क्लरिफिकेशन करें उनको एतमाद उनका बहाल करें ये 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 मैं हमेशा ये कहता हूं इट इज नॉट इम्पॉसिबल लेकिन ये कि करके रियाते मदीना तो क्यों नहीं ले लेते हैं? आप उनको भी साथ उनको भी साथ ले लें उनको भी बताएं पाकिस्तान के सर्वाइवल का मतलब क्या का, 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 का इशू आ चुका है हमें पड़ोसियों से रिलेशनशिप बेहतर करने होंगे ना सिर्फ आप भारत से अच्छे रिलेशनशिप रिलेशनशिप करें ईरान से भी अच्छे रिलेशनशिप करें हैं। आप तो ये कौन करेगा आसमान से उतरेगा ये सारा कुछ पाकिस्तान बचाने की कोशिश कौन करेगा क्योंकि पाकिस्तान ही करेगा लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता वो पैदा हुआ है पाकिस्तान में मुझे तो अभी तक पिछले जो माजी में आपका देखा जाए तो लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं आपने किया अपनी फैमिली के लिए जो भी आया हो उसने लूटमार की है अपने बच्चों के लिए अपने बहनों भाइयों के लिए उसने पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दिया छिहत्तर साल में अभी तक ठीक है सर ये सारी जो सिचुएशन बनी है ये बड़ी बात जो आपने बताई है कि भाई इलेक्शन नजदीक आने वाले हैं इस वजह से दो चार दिन के बाद गवर्नमेंट वैसे खत्म हो जाएगी इस वजह से ऐसी स्टेटमेंट देना जरूरी थी लेकिन फिर उसके बाद यूएस की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ जाती है कि अगर ऐसा कुछ होता है अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग होते हैं तो हम उसे सपोर्ट करेंगे वो लेकिन मुझे ये बताएं कि अमेरिका के दिया उसका। का भी ये, ये बात थी। और स्टेट डिपार्टमेंट वाले की भी सियासी बयान था हाँ भाई आप आपस में बात करें जहर हम सपोर्ट करेंगे जहर वो मुखालफत तो नहीं करेंगे ना वो मुखालफत नहीं करेंगे तो फिर सपोर्ट करेंगे अमेरिका के तो अपने हालात खराब है मैं पांच मिनट तक अभी दस मिनट तक अब बिल्कुल यही ऑनलाइन देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप साहब को इंडाइट किया गया है आज चौथी दफा तीसरी दफा चार महीने के अंदर अमेरिका के अपने हालात खराब हैं वो आपके मामले में किस तरह तो दे सकता है या आपको किस तरह सपोर्ट कर सकता है और दूसरा इस वक्त जिस तरीके से भारत ने या भारत के लोग जो उनके टेक्नोक्रेट है उन्होंने अमेरिका को इस तरह जकड़ लिया है कि अमेरिका अब भारत की मर्जी से उनकी इजाजत के बगैर आपसे बात नहीं करेगा दे आर इन देयर कैंप उन्होंने जो उनके टूटे फूटे राइट्स वो समझते हैं उनको बावर करा दिया गया है कि चाइना के खिलाफ अगर कोई भी आपका दुनिया में साथ दे सकता है तो वो भारत है हालांकि वहां पे भी वो अपने अपने एक सर्टन गाइडलाइन से आगे नहीं जाएंगे वो भी अपने चाइना के साथ रिलेशनशिप मैंने पिछले दिनों एक दफा ट्वीट किया था क्योंकि वहां पे भी ऐसे लोग हैं भारत के अंदर जो समझते हैं कि हमें चाइना के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करने चाहिए चाइना अगर आज बॉर्डर की अपने मामला भारत के साथ ठीक कर लेता है तो अमेरिका और पाकिस्तान फिर क्या करेगा रमस्त लेकिन ये कि भारत जो है वो दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट और उसमें उस स्मार्टनेस और उनकी तरक्की के सीक्रेट एक सबसे बड़ा है नेशनलिज्म नेशनलिज्म तो सर, चाहे आप उसको ना नेक्टीण चाहे नेक्टीण आप उसको जी 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 अम, सर, चाहे आप दुनिया उसको हिंदुत्वा कह ले चाहे उसको जो मर्जी कह ले चाहे ये कह ले कि हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज ओनली ऑफ़ कोर्स दे आर इन मेजोरिटी देयर दैट इज देयर कंट्री बट दे पाकिस्तानी फर्स्ट अभी तक आप पाकिस्तानी ना आपने पाकिस्तान बनाया है ना आप पाकिस्तानी है ना आपको पता है कि मुल्क से प्यार किस तरह किया जाता है मुल्कों की तरक्की में सबसे बड़ा एलिमेंट नेशनलिज्म का होता है नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म ऐसे ही है लेकिन यहां पाकिस्तान में जिसे भी हम पूछेंगे वो यही कहेगा मतलब ही, तो मतलब तो ही लेकर चलना चाहिए ने, नेशन फर्स्ट हो या रिलीजन फर्स्ट हो पाकिस्तान की जहां बात है उधर पाकिस्तान को आगे रखना चाहिए मुझे इतराज है आप कहते हैं जिस मजहब की आपने बात की है आपने काले जादू की बात की है काले बकरों की बात की है ये काले बकरे और काले जादू इस्लाम इसका नाम इस्लाम नहीं है ये बाबे जो आपकी फूकों के साथ कैंसर का इलाज कर रहे हैं ये इस्लाम नहीं है ये बाबे के साथ सर्जरिया हार्ट सर्जरी कर रहे हैं ये इस्लाम नहीं है चौसा इस्लाम इस्लाम का नाम है पीस सलामती ये आपको वायलेंस और नफरत का सबक नहीं दे रहा इस्लाम लेकिन हाँ इस्लाम लेके चल रहे हैं पूरी दुनिया में अपना इमेज बना रहे हैं ना सिर्फ अपना बल्कि अपने मजहब का जो इमेज बना रहे हैं वो सबके सामने है आज अगर इस्लाम की बात की जाती है मजहब की बात की जाती है तो क्या क्या बातें की जा रही हैं वो इस्लामोफोबिया की बात हो रही है ये तो आपकी ज्यादा बेहतर जान रही है मैं अर्ज करना चाहता हूँ मैं शर्मिंदा मुझे वाशिंगटन डीसी में एक बंदे ने एक डिप्लोमैट ने बहुत शर्मिंदा किया था आज से एक साल पहले दो साल पहले उस बंदे ने मुझे एक एक इवेंट पर था एक एम्बेसडर ने मुझे बुला के कहा उसने कहा तुम्हारा आपका तुम क्या कहते हो सुना है कि वहां आपके प्राइम मिनिस्टर की बीवी जिंदा मुर्गियां जला रही है में ये इस्लाम है ये वॉशिंग डीसी में क्वेश्चन किया गया था ऐसे तो मैं उसको ये ये इस्लाम है जो आप कह रहे हैं कि इस्लाम पहला है पाकिस्तान बाद में है कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं एक एक गली में छे छह मस्जिदें हैं और एक दूसरे को काफर काफर कह रहे हैं वो ये मस्जिद है ये इस्लाम है आपका ये यही तो सबसे बड़ी वजह है कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि हम हैं क्या हम मुसलमान हैं, हम हैं क्या इस्लाम को नमाज तर्ज़मे के साथ पढ़ने की कोशिश करें आपके नाइनटी परसेंट कुछ लोगों को तो नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती पता नहीं सारा दिन बैठ के क्या मारते हैं वो अगर आप नमाज का मतलब समझ लें तो आप मेरा ख्याल है आधे आपके दूर हो जाएंगे लेकिन आप उस पर नहीं देते आप काले बकरों पर आपकी तवज्जो है पीरों मुर्शिदों के पास सारा दिन दिनों से जाके आप लड़के मांगते हैं मुंडा, मुंडा पीर मुंडे वाला पीर आ गया ये चौसा ये इस्लाम नहीं है ये बाबे वाला इस्लाम नहीं जे इस्लाम बड़ा एक बड़ा, बड़ा बड़ा प्यारा मजहब इन समझने की कोशिश करो ये बाबा फूकिया फूका बाया तो बचो प्लीज ऐसे ही है सर बहुत सी आपसे आज बातें की और बहुत ऐसी बातें थी शायद मैं ये समझता तो हूँ कि ना तो मैंने पहले सुनी ना देखने वालों ने पहले सुनी होगी लेकिन लास्ट में मैं फिर भी यही कहूंगा कि सर हमें उम्मीद रखनी चाहिए अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे कि पाकिस्तान का कुछ हो नहीं सकता बेहतरी नहीं आ सकती तो शायद फिर हमारा पाकिस्तानी रहने का मकसद नहीं बचेगा शायद हमें पाकिस्तान में रहने का मकसद नहीं बचेगा जी ठीक है मैं उम्मीद उम्मीद पर दुनिया कायम है आपका मजहब कहता है मायूसी गुनाह है कोई शक नहीं इसमें लेकिन छिहत्तर साल बहुत लंबा पीरियड होता है चौसा बहुत लंबा पीरियड होता है और उसमें एक भी इंसान नहीं मरते कोई एक भी मरदे मोमन नहीं आया एक भी मरदे मोमन आज बता दें जितनी लीडरशिप है इसमें किस पे रिलाय करूं मैं किस पे रिलाय करूं कोई एक बता दें कहीं नहीं, नहीं आप मुझे इस, इस, ऐसा, तो तो, ऐसा तो नहीं कि जब दिल होता है कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर किया जाए लेकिन जब सिस्टम में आते हैं जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उस अलूदा सिस्टम के अंदर आके अपना वो सारा कुछ खो बैठते हैं वो करप्शन के अंदर खुद को भी रंग लेते हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें देखनी पड़ती है चो वो सिस्टम ही तो पाकिस्तानियों का है जो सारा सिस्टम चलाने वाले भी तो पाकिस्तानी वो जर्मन तो नहीं है वो ऐसे ही क्या वजह है जो आप जिनकी बात करते हैं यूनिफॉर्म पहनने से पहले, पहले आपके बहन भाई होते हैं वो जितने अफसरान हैं जितने करप्ट लोग हैं हमारे रिश्तेदार हैं सारे वो ऐसे ही है वो कुबार से तो नहीं आए ना क्या वजह है उन वो मुसलमान नहीं है पाकिस्तानी नहीं खलवा